करो, फिर मैं हल्का सा वो करता हूँ। कैसा लग रहा हुआ था यहाँ पे आके दूसरी बार? छोटे भाई, ये मेरा इसी हफ्ते में मेरा दूसरा ट्रिप है ओम पर्वत का। बहुत सुकून है, बहुत शांति है। यहाँ पहुँच के तो ऐसा लग रहा है कि जाने हम परमात्मा को साक्षात अपने सामने देख रहे हैं। यहाँ की जो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, नाभी डांग है, पार्वती की नाभी कही जाती है, और ओम पर्वत है, ये तो आपको पता ही है। ये जो दिख रहा है आपको, ये नाग पर्वत है और ये पर्वत है।
सुरेन भाई के साथ जो हमारा रहेगा कोर्स और उसका ये इस जगह का नाम दोंगोंग है, आप बता रहे थे। बहुत ही हरी भरी जगह है बिल्कुल। रवीश भाई मैं आप एक बार हमारे जो जी जी कुकिंग जहाँ हो रही है हमारी एक बार उसको दिखाने का प्रयास करिए। हमारे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं शंकरदा और कबूदा हैं। ये आज का भोजन हम बना रहे हैं, ये सारी सामग्री हम धाजवा से अपने साथ लेके आए थे। नाभी धाम से 1 किलोमीटर पहले जो धाम है बमगम, नाभी धाम का था, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा हवा चलती है और तापमान बहुत ज्यादा कम, वहाँ का ठंड ज्यादा है, इसलिए हम नीचे आ गए थोड़ा। और यहाँ पे हम शुद्ध शाकाहारी भोजन बना रहे हैं, दाल ये देखिए हमारी इंग्रेडिएंट यहाँ पे तैयार है। अरे शंकरदा है हमारे जो ये सब बना रहे हैं और काफी देर से लगे हुए हैं, टेम्परेचर बहुत ही लो है और यहाँ पे हाँ ये हम जाने के बाद बनाएंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो है कि यहाँ पे प्याज और ये सब सीटें आने में और जो प्रेशर बनने में बहुत टाइम लगता है, तो बड़े कठिन हालात है। लेकिन फिर भी शंकरदा को अनुभव है इन चीज़ों में। और देखिए थोड़ा सा क्लोजअप देते हैं, ये प्याज देखिए गल रहा है और देखिए कितना समय लग रहा है। हमारे भगत भाई आ गए, भगत दा फिर आ गए हैं और ये भी सब देख रहे हैं। और ये जितनी भी कटी हुई चीजें दिख रही हैं आपको, ये जो मिर्च दिख रहा है, अदरक दिख रहा है, लहसुन, ये सब भगत दा ने किया है। कबूदा से अनुरोध है कि आप ना वो स्कार्फ निकाल लें ताकि लोगों को आपका चेहरा दिखे, आप दिख नहीं रहे हो आप। हेलो जी, हेलो कबूदा। तो ये समापन करते हैं अभी फिलहाल इस छोटे से वीडियो का क्लिप का। बाय बाय, बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।